ज्यादा मानता है, लेकिन चाहे राम रतन सिंह चाहे दादा हो, ये लोग वीरपेंद्र सिंह के इतने करीब थे कि उनकी कोई बात कभी ना नहीं करते थे। ये पुल की बात हो रही, मुझे याद है शायद शिलान्यास का समय रहा होगा, भारी बरसात सुबह हो रही थी, तो कहा भाई दादा के नाम लेके लगा कि सुबह सुबह वो ओरिया टपक रही थी, शायद ना पाए, ये तो पूरा योगदान दादा का है। तब निधि भी नहीं होती थी, लेकिन अपने दम पे काम करना और कार्यकर्ताओं से जुड़ना, ये दादा की बड़ी खूबी थी। हमारे तो पारिवारिक संबंध है, हमारी रिश्तेदारी भी है, और मेरे पिता के अभिन्न मित्रों में करीबी लोगों का पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। जब 80 का चुनाव हुआ, मुझे याद है जो हमने सुना कि बीपी सिंह ने कहा कि 403 सीटें, तब ज्यादा सीटें थी, जरूरी सब जीती जाए, गजेंद्र सिंह को सीट इसलिए दी जाए चुनाव चाहे हार जाए लेकिन टिकट उनको दे, ये संबंध होगा बीपी सिंह का। अब सुधार लीजिएगा, साल एक दो पीछे होता था, आप 80 की थी, देखिए वहां भी बता रही है 80 की, फिर आपके साथ कम रहा लग रहा साथ बहुत रहा, आप भूल गए। रात को करीब 12:30 बजे इस बात की घोषणा हुई कि दादा का टिकट फाइनल हो गया, हम लोग भी खुशी हुए। और गजब का चुनाव था, संख्या हो सकता भूल लें, शायद 999 से वो चुनाव टिपे लाइन से चुनाव जीते, और ऐसे लोगों से जीते थे जिनके सामने उसमें चुनाव लड़ना और बहादुरों से चुनाव लड़ना, फिर कांग्रेस के बहुत मामला ठीक करता था, विधायक हुए उस जमाने के जो लोग रिटायर हो रहे थे 12 में 7 में 17 में विधानसभा कर्मचारी, वो दादा को याद रखते थे। दादा जो तेवर था मूछ वाला, बिल्कुल तनाखन लगता था जब दादा को कुर्ता धोती पहन के, दादा बहुत उदम सीखा भी है। जब चुनाव हुआ तो मैदान में आए, तब इतना साधन उधर पापा नहीं होता, एक भाई दोस्त ने प्रदीप पांडे, उनके पिताजी थे राजस्व पांडे और मुन्ना के पास 3-4 लोग की रोज बैठकी होती थी, तो दादा दूसरे नेता दादा को उठा दो पक्का नेता बिल्कुल। अभी मुन्नू भैया कहे कि हमने उनको टेम्पो में देखा, मेरा सौभाग्य था बहुत बचपना था, हम उनके साथ एक्सेस भी चले हैं और अक्सर 12 बंकी में शाम को कई घंटा करता कहीं छाया तक वो रिक्शेस भी निकलते थे। आज की भी कोई नेता रिक्शेस नहीं मिलेगा, दौर बदला है। मुझे याद है कि दादा शायद 80 का पहला चुनाव था, 80 का था, उसमें कांग्रेस का जलजला था, कांग्रेस का टिकट मतलब हाउस के मेंबर अभी करीब करीब हो ही जाता था। दादा अपने दम पे राजी करते थे, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, ये लग रहा था कि टिकट में बहुत बाधा है, बाधा बहुत बड़ी थी। हम लोग भी चाहते थे दादा टिकट जरूर मिले, हम लोग को हैसियत देते ही सिफारिश के बच्चे थे। अभी आप राजा साहब का नाम ले रहे थे, बीपी सिंह के बहुत करीब दादा थे, दादा राम रतन सिंह, ये कुछ ऐसे लोग बीपी सिंह के थे जिस उस समय जो चीज कह देते थे दिखाई पड़ती है। बहुत साधारण जीवन रहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी का सीधा संपर्क हुआ, सोचो क्या कर सकता था, जिसकी टिकट सिफारिश कर दी इसके बाद उसको टिकट भी मिलता था, और जिसके लिए जिद पकड़ दी नहीं तो वही लड़ाते भी थे। दादा की तमाम ऐसी कहानियां, तमाम ऐसे यादें हम लोग से जुड़ी हैं जिसको कहें तो कई घंटा लग जाएगा। मैं तुम्हें अपने श्रद्धासुमन आदि गजेंद्र सिंह के चरणों से अर्पित करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कार्यक्रम निरंतर अच्छी तरीके से होगा और जो हमें आदेश होगा हम लोग आप साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।